दोनों हाथ हमारी ओर इस तरह से, गले में अगर कोई गंडा दोरा पहना हो तो निकाल दीजिए, कभी कभी अटकाव करता है, गंडे दोरे अच्छे नहीं होते, किसी से लेना नहीं चाहिए। पैसों से ली हुई चीज कभी भी परमात्मा की हो नहीं सकती। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना ये हाथ, ये बायां हाथ हमारी ओर करें और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रखें, जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी मां। आप श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी मां का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर और बायां हाथ आकाश तत्व, ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से, परेशानी की कोई चीज नहीं। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घूम जाने चाहिए, इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं, बहुत आसान। अब हमने संतुलन स्थापित कर दिया, बहुत से लोगों के अभी ही ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी आएगी अभी। अब देखिए कि इस बाई और, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है, तो ये किस तरह से, बहुत आसान। हृदय में हमारे आत्मा का वास, मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है, उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का तत्व है, फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहां पर आ जाते हैं ये विशुद्धि का चक्र श्री कृष्ण का है, सब सृष्टि उनके लिए लीलामय है, तो हम किस चीज का रोना लेकर बैठे हैं, जब सब चीज एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं, तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये दुख लिया है और हम ऐसे पापी हैं और हम ऐसे खराब हैं। ये चक्र यहाँ इस तरह पकड़ना होगा, जैसे कि आप देखिए हाथ को इधर ले जाए सामने, बहुत से लोग पीछे से पकड़ रहे, गलत है, इस तरह से सीधा पीछे की तरफ ले जाए। उसके बाद ये हाथ अपने माथे पर इस तरह से, जैसे हमें सर में दर्द होता है इस तरह से पकड़ना है, ये वाला इस हाथ, और फिर ये हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाते। ये आज्ञा चक्र के दो अंग है, एक सामने और एक पीछे, इस तरह से सर को पकड़ लेना।
उसके बाद ये हाथ जो है इसको यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे इस तरह से ये जो कलवा है इसको खींच करके बराबर बीचों बीच, ये शस्त्रार है हमारा, ये हमारा शस्त्रार, उसके ब्रह्मरंध्र पे माने यहाँ जहाँ तालु है, जो बचपन में आपके यहाँ नरम सी हड्डी थी उस जगह पर बराबर ये चीज लगा के दबा कर और इसे इस तरह से 7 बार सिर घुमाना है, दबा से कि सर की जो त्वचा है वो घूमे, 7 बार घुमाना। अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए, कृपया आंख नहीं खोलना, क्योंकि चित्त जो है जैसे हमारी शॉल है इस तरह का चित्त अंदर फैला हुआ है और जब कुंडलिनी चढ़ती है तो चित्त जैसे खिंच जाता है, इसलिए चाहिए कि आंखें बंद हो जाए और जिस वक्त ये भेदन हो जाता है तो इस चित्त के अंदर प्रकाश आ जाता है। आत्मा का स्थान हृदय में है लेकिन सदाशिव का स्थान यहाँ सर पे है। जिस वक्त उनके चरण छू जाते हैं कुंडलिनी से तो आत्मा जागृत होकर के हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है और हाथ से भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अपने पे पहले विश्वास रखें, पूर्ण आत्मविश्वास से काम होने वाला है। अच्छा, अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति, बिल्कुल सादी चीज है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को जो कि क्रिया शक्ति है जैसे मैं बताती हूँ एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये जो दाया हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे। कोई भी घबराने की चीज, कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य हो। आप इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ क्या मैं आत्मा हूं, ये सवाल पूछिए पूर्ण हृदय से, पूछिए माँ क्या मैं आत्मा हूं, मन में पूछिए जोर से। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें बाईं ओर। दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूं, माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूं। अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें दबाकर। यह मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं, इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं
उनको जागरूक करने के लिए आपको ये 6 बार कहना। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए जहां गुरु का तत्व है और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं, ये मानना पड़ेगा। ये आप 10 मरतबा कहें, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं, ये 10 मरतबा कहें। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो संसार में बार बार जन्म लेते हैं, 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं, इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रखे कहिएगा। आप दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। आप पूर्ण विश्वास के साथ यहां आपको 12 मरतबा कहना होगा, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार आपको 12 मरतबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते शिवो हम शिवो हम शिवो हम, मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर है ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका बायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा करना, और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मरतबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कला। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूं, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं, मैं पापी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। इस प्रकार 16 मरतबा पूरे विश्वास के साथ आप 16 मरतबा कहिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। जो सामान्य है उसी में असामान्य छिपा हुआ है, वो अपने आप कार्यान्वित होता है, सूक्ष्म है,
हाँ अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते हैं। अब यहां पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ, बायां हाथ तो हमारी ओर है ही पूरी समय, दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें कितने बार का मतलब नहीं कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना मां। अरे भाई, जब तू क्षमा करते हो या नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रखे, जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं, और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालु भाग में जहां बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालु भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं सात मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। सात मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रखें, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहां पर एक 4 इंच 3 इंच, किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। आ रही ठंडक? अब ये हाथ मेरे ओर कर और आप देखिए आ रही,
ऊपर में। हूँ किसी किसी को तो यहां तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर, है? हाँ चित्त करो, चित्त करो, यहां पर चित्त रखना है। अपना चित्त यहां रखिए, देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछे कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ अब शंका नहीं करें, शंका की चीज नहीं है। आप दोनों हाथ पीछे कर, देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। अब किसी किसी को नहीं दिया, उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी, कोई बात नहीं। अब हमारी ओर आप बिल्कुल विचार किए बगैर देख सकते हैं, यह निर्विचार समाधि है। इसके बाद निर्विकल्प वो भी हो जाएगा। ये शुरुआत एकदम अत्यंत सूक्ष्म तरह से एक बाल की जैसे कुंडलिनी उठती है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं उसके अंदर से, और फिर धीरे धीरे खोलते हुए चक्रों को जाती है, और भी जब चक्रों का प्रसार बढ़ जाता है तो कुंडलिनी के और भी जो अंग है वो खुलने लग जाते हैं, और अनेक सूत्रों से जो कुंडलिनी बनी हुई उसके अनेक सूत्र एक के बाद एक खुलने लग जाते हैं। शुरुआत करना चाहिए, सारे संतों को हमारा नमस्कार।